और हमारे साथ फुटबॉल एक्सपर्ट नसीम अख्तर मौजूद है। नसीम, क्या लग रहा है, कल बाल बाल बच गई जर्मनी की टीम, अदरवाइज ड्रॉ भी हो सकता था, लेकिन फिर टॉनी क्रूज ने उम्मीदों को जिंदा रखा जर्मनी की। हाँ रवीश, एक बार ठीक है कि जब जर्मनी ने खेल शुरू किया तो लग नहीं रहा था कि वो मैच ड्रॉ होगा, right. क्योंकि उन्होंने जब मैच शुरू किया तो मैच के स्टार्टिंग के 20 मिनट में बॉल पोजीशन 87% जर्मनी के पास था, 13% स्वीडन के पास था। वो बात अलग है कि काउंटर अटैक में स्वीडन ने एक गोल का लीड ले लिया और फर्स्ट हाफ में वो आगे भी रहे उनसे, क्योंकि जी हाँ फर्स्ट हाफ में 55वें मिनट में गोल इक्वलाइज किया जर्मनी ने सेकेंड हाफ में जब कम बैक किया। बट एक चीज़ आपको मानना होगा कि जो डिफेंडिंग चैंपियन टीम है उसने कल दिखाया अपना गेम। जैसा वो पहला मैच हारने के बाद सबका ये था कि ये टीम क्वालिफाई भी नहीं होगी लगता है पूल, तो उनके कोच जोकिम लो ने बोल दिया था कि हम क्वालिफाई होंगे, और उसी हिसाब से जब वो खेलने उतरे तो उनका मैच देख के ऐसा लगा कि वो पहले सेकंड से लेकर टिल 95 मिनट तक उन लोगों ने फाइट किया। टोनी क्रोस का जो फ्री किक था 94.428 सेकंड में आया था, तो उस हिसाब से जर्मनी जी हाँ, मुझे तो एक्चुअल में रोनाल्डो की फ्री किक से जो उन्होंने गोल किया था उससे ज्यादा अच्छी ये लगी, जो स्पेनियल के खिलाफ उन्होंने गोल किया था उसमें ज्यादा अच्छी ये वाली फ्री किक लगी, क्योंकि एंगल डिफरेंट था और इस एंगल से गोल पोस्ट में गोल को बॉल को पहुंचाना हमेशा डिफिकल्ट होता है। जी हाँ एकदम सही बोला आपने, क्योंकि रोनाल्डो को पूरा गोल पोस्ट मिला था और इनको एक नैरो एंगल मिला था उस जगह जहां से उन्होंने गोल किया था, कहीं ना कहीं वो डेविड बेकहम की याद करा दिया है उन्होंने। डेविड बेकहम डेड बॉल को मारते थे बट उन्होंने उस बॉल, ये बहुत टफ फ्री किक था जो उन्होंने लिया था, इतना इजी फ्री किक नहीं होता है, क्योंकि जब आप पास करते हैं बॉल को स्टॉप करके उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिलता है जिसमें उन्होंने किया, और ये सारा क्रेडिट टोनी क्रोस को देना होगा क्योंकि वो रियल माद्रिद के लिए भी जब फ्री किक मारते हैं तो इस तरीके की उन्होंने कितनी फ्री किक्स ली है जिसमें उनको गोल मिला है, और उस गोल की वजह से आज जर्मनी अब वो कॉन्फिडेंस में आ गया। क्यों उनको डिफेंडिंग चैंपियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप देखिए ये एक ऐसी टीम है जो 8 बार सेमीफाइनल खेली है, 4 बार वर्ल्ड कप चैंपियन रही है, तो उन्होंने कल अपना आगाज शुरू कर दिया चैंपियनशिप का। जी हाँ बिल्कुल, जर्मनी के लिए काफ़ी अच्छी बात ये रही क्योंकि उनको एक मुकाबला जीतने को मिला, हालांकि जब 90 मिनट का गेम खत्म हुआ था तो शायद उसमें ड्रॉ मुकाबला हो रहा था, लेकिन फिर टॉनी क्रूज ने इंजरी टाइम में गोल करके जीत दिलाई। नसीब, वैसे तो टूनिशिया शायद उसके आगे कहीं नहीं ठहरती, जैसे इंडिया अफगानिस्तान का हमने टेस्ट मैच देखा था उसी शायद टेस्ट मैच को अगर हम फुटबॉल में कहते हैं उसकी याद आ गई, क्योंकि 5 गोल उधर 2 गोल, और जिस तरीके से बेल्जियम हावी नजर आ रही थी टूनिशिया मैच में कहीं थी नहीं। जी हाँ आप देखिए बेल्जियम सिर्फ ऐसे ही नहीं फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में 3 नंबर की टीम है, उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं फ्रॉम गोलकीपर टू स्ट्राइकर, जैसे कि कैप्टन हैजर्ड को देखिए उन्होंने 2 गोल भी किया, 2 गोल कराया भी, और लुकाकू मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार के वर्ल्ड कप के गोल्डन बूट दावेदार लुकाकू ही होंगे, क्योंकि उनके सपोर्टिंग इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, कप्तान हैजर्ड हैं, पीछे से उनको केविन दी ब्रायन सपोर्ट करते हैं, विंटेज उनको सपोर्ट करते हैं, तो बेल्जियम एक कॉम्पैक्ट टीम दिखी मेरे को। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेल्जियम एक ऐसी टीम है जो इस वर्ल्ड कप में कुछ भी नया धमाका कर सकती है, गोल्डन काफी आगे जा सकती है आप ही कह रहे हैं। हाँ ये काफी आगे जाने वाली टीम है इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन है खेलने का फ्रॉम गोलकीपर टू स्ट्राइकर एक साथ मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन, और काउंटर अटैक में अब तक की 32 टीमों में सबसे फास्ट टीम है बेल्जियम। बेल्जियम जो काउंटर अटैक आप देखिए उन्होंने जितना भी गोल किया काउंटर अटैक में, एंड लुकाकू काउंटर अटैक में सबसे डेंजरस स्ट्राइकर अभी तक के वर्ल्ड कप में है। और नसीम जैसा कि आप कह रहे हो कि आपने आपकी तरफ से प्रिडिक्शन है कि लुकाकू जो है वो गोल्डन बूट जीत सकते हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अगर हम बात करें शेरी शेफ की जो कि रशिया के हैं, इन सबको पीछे छोड़ेंगे और आगे निकलेंगे लुकाकू, ये आपकी प्रिडिक्शन है? जी हाँ, क्योंकि आप देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 4 गोल किया बट वो 4 गोल उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट पे उनको मिला है, right. और उनको कोई सपोर्टिंग, अब जैसे लुकाकू के पास इतना सपोर्ट है, ब्रायन पीछे से सपोर्ट करते हैं, विंटेज पीछे से सपोर्ट करते हैं, कैप्टन हैजर्ड जो है उनके 4 गोल में ही 3 गोल उन्होंने कराया, तो इनके पास इतना सपोर्टिंग प्लेयर है, अगर आप हैजर्ड को मार्किंग करते हैं इसलिए लुकाकू अनमार्क होकर गोल करते हैं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है लुकाकू के लिए बेल्जियम टीम के लिए, इस वजह से मेरा मानना है कि लुकाकू वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट के दावेदार। जी और बिल्कुल, इंग्लिश प्रीमियर लीग में तो लुकाकू की काफी डिमांड है, काफी स्टार प्लेयर हैं लुकाकू वहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और खास बात ये भी रही इस वाले मुकाबले की बेल्जियम की कि हमने जो पहला मैच देखा था उसमें गोल की बरसात हुई थी, लेकिन तब एक ही टीम रूस ने गोल दागे थे 5, यहां पे चलिए ट्यूनिशिया ने 2 गोल तो दागे। चलिए आज बात करते हैं जो आज के मुकाबले होंगे बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस, उसमें जिस मुकाबले पे सबकी नजर रहेगी फिलहाल वो तो इंग्लैंड का मैच होगा। जी हां, इंग्लैंड वर्सेस पनामा ये मैच होगा 5:30 बजे से, यानी कि अब से थोड़ी देर के बाद ये इंपॉर्टेंट मैच खेला जाएगा। तो दिन के आज के मुकाबले में आपको बता रहे हैं इंग्लैंड वर्सेस पनामा। इसके अलावा दूसरा मुकाबला जो आज का है वो है जापान वर्सेस सेनेगल, एक और इंपॉर्टेंट मैच, जापान और सेनेगल की टक्कर होगी इसमें, ये मुकाबला 8:30 बजे खेला जाएगा। और रात का जो आखिरी मैच है वो है पोलैंड वर्सेस कोलंबिया, और देखना पड़ेगा रोड्रिगेज इस बार कोलंबिया के लिए क्या करते हैं।
नसीम, सबसे इंपॉर्टेंट मैच मेरे लिहाज से शायद इंग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, पनामा के खिलाफ उनकी टक्कर है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहला मैच इंग्लैंड ने काफी अच्छा जीता। नहीं, इंग्लैंड तो फेवरेट है इस मैच में, क्योंकि इंग्लैंड पनामा से काफी ऊपर है, और जैसा कि अगर आप मैच के हिसाब से देखेंगे तो इंग्लैंड टीम ऑन पेपर भी पनामा से काफी स्ट्रांग है, और वो लोग पहला मैच जीत के काफी कॉन्फिडेंट थे। ये इंग्लैंड टीम जो पिछले वर्ल्ड कप में देखी गई थी उससे काफी अलग है, एकदम यंग टीम है, और मतलब सबसे ज्यादा उनके कैप्टन जो है, वो जो कैप्टन का जो लीडरशिप होता है वो चीज दिखती है। उनको तो कह रहे हैं कि वो इंग्लैंड के हैरी पॉटर हैं, और पिछली बार उन्होंने 2 गोल दागे थे, इंपॉर्टेंट जीत दिलाई इंग्लैंड को। जी हाँ, ये एकदम सही बात है कि उन्होंने 2 गोल भी किए, और वो एक ऐसे प्लेयर हैं, ऐसे स्ट्राइकर, वो पीछे भी आते हैं सपोर्ट करने, और फिर वो गोल माउथ के पास अनमार्क होकर जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा पहले दोनों गोल वो एकदम अनमार्क खड़े थे, रिबाउंड आया, जस्ट उन्होंने टच किया और बॉल गोल हो गई। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक स्ट्राइकर के लिए कि वो गैम्बलिंग करके उस जगह पहुंचता है जहां पर उसको बॉल मिलेगी तो उसको गोल करना सबसे ईजी हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो आप हैरी पॉटर बोलते हैं उनको इंग्लैंड में, बट हैरी केन के नाम से सारी दुनिया उनको जानती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड टीम को वो विनिंग टेस्ट जो होता है, विनिंग स्मेल मिल गया है। राइट, और नसीम, हरिकेन, अगर उसको हम हरिकेन कह दें तो तूफान भी हो सकता है, और पनामा के खेमे में तूफान भी आ सकता है। चलिए बात लियोनेल मेसी की करते हैं, वर्ल्ड फुटबॉल के बहुत बड़े सितारे, उनका बर्थडे आज है, 31वां जन्मदिन अपना मना रहे हैं। 1987 में उनका जन्म हुआ, अर्जेंटीना के हैं लेकिन बेसिकली रहते तो स्पेन में है, बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। अर्जेंटीना की काफ़ी उम्मीदें लियोनेल मेसी पर टिकी हुई हैं, पिछली बार तो उन्होंने 4 गोल दागे थे, इस बार वैसा करिश्मा नजर नहीं आ रहा है लियोनेल मेसी का, लेकिन फिर भी अर्जेंटीना के फैंस की उम्मीदें उन पर टिकी रहेंगी जब तीसरा मैच अर्जेंटीना खेलेगी अपना। हमारे साथ नसीम अख्तर जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खेल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए गुड इवनिंग नेशन।